हाय यूट्यूब फैमिली, मैं रिजी। आज हमारे साथ हैं अमित जी, जो अमिताभ बच्चन नहीं, अमित सर। अमित जी कहा ना मैं, तो एकदम से अमिताभ की याद आ गई। ये अमित जी हैं, सॉरी अमित सर हैं, जो नजफगढ़ से आए हैं। तो एक्चुअल में मैंने इनका पूरा वर्क कर दिया है। मैं आपको इनका वर्क दिखा नहीं पाया, क्योंकि इन्होंने वीडियो बनाने से साफ इनकार कर दिया था। आप सोच रहे हो कि इन्होंने अब वीडियो क्यों बनाई। रीज़न ये था, जब ये इनके बाल नहीं थे, बाल्ड थे, तो इनके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं था। इन्होंने साफ मना कर दिया कि नहीं, सब देखेंगे, मैं वीडियो नहीं बनाना चाहता। तो लेकिन जब मैंने काम कर दिया, तो इन्हें काम इतना पसंद आया है, आप खुद देख सकते हैं। जिस बंदे ने वीडियो बनाने से इनकार कर दिया था, आज वो खुद कह रहा है कि चलो एक क्लिप बनाते हैं, ताकि लोगों तक मैसेज पहुंचे कि हाँ ये नेचुरल दिखता है। यानी कि इनका कॉन्फिडेंस इतना बूस्ट हुआ है पेच लगाने के बाद कि आइए आज आपके सामने बैठे हैं, जो आपको खुद बताएंगे अपनी जुबानी कि कैसा लगा आपको। बहुत बढ़िया। मैं तो खुद को भी थोड़ा ज़्यादा यंग महसूस कर रहा हूँ। जैसे काफ़ी लुक चेंज हो गया मेरा। आगे 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 दिखा दिए इनके, देखिए ये पूरा, ये हिलाने से भी नहीं निकलता है। सॉरी, अब मेरे घर वाले मेरे बाल पकड़ के खींच सकते हैं। आप ही नहीं, ये बता दीजिए, मैंने जो शूट करने से पहले अपने बाल कितने कितने मिनट बनाए थे, अपना भी तो लुक चेंज किया है ना मैंने। हाँ, इन्होंने खुद अपना लुक चेंज किया है वीडियो में आने के लिए। एक्चुअल में मेरे लॉन्ग हेयर थे, मैं भी काफी पक गया था, तो मैंने कहा चलो थोड़ा सा शॉर्ट हेयर करते हैं, थोड़ा सा लुक चेंज करते हैं, तो मैंने भी थोड़ा सा खड़े बाल किए हैं। तो गाइज, आप कमेंट करके बताइए आपको इनका लुक कैसा लगा। मेरा तो खैर चेंज होते रहता है, आपको इनका लुक कैसा लगा। साइड में इनकी पुरानी फोटो में डालूंगा, तभी आपको पता चलेगा कि पहले कैसे थे अब कैसे हैं। ये आपको तो, ये तो पूरे भरे बाल लग रहे हैं, ये भी फील नहीं हो रहा होगा कि मतलब लगे हैं या रियल हैं या बना रहा हूँ मैं। तो आपको मैं इनका पीछे से लुक दिखा देता हूँ, पूरा लुक दिखाता हूँ मैं इनका। अमित साहब थोड़ा सा घूम जाइए, ये देखिए, तो कैमरे पे आता गया। हाँ, तो फ्रेंड्स आप कमेंट करके जरूर बताइए, और लाइक कीजिए और शेयर करना ना भूलें। शेयर जो ज़रूरतमंद हो उन्हें शेयर ज़रूर करें, ताकि ये वीडियो उन तक पहुंचे, उन्हें पता चले कि हाँ ये भी कोई चीज़ चेंज कर सकते हैं। अगर आप हेयरफॉल से जूझ रहे हैं, तो आप इस हेयर सॉल्यूशन आए और अपना कॉन्फिडेंस वापस पाएं। थैंक यू, थैंक यू सर, थैंक यू गाइस। ओके गाइस, बाय बाय। माय नेम इज अमित सिंह, आई एम फ्रॉम नजफगढ़। मैं यहाँ आया हूँ रिजी हेयर सॉल्यूशन पे, अपने एक फ्रेंड के कहने पे, बिकॉज मैं अपने हेयर फॉल की वजह से काफ़ी प्रॉब्लम फेस कर रहा था, मतलब कि पब्लिक में मैं अपनी एज से थोड़ा ज़्यादा बड़ा लग रहा था हेयर फॉल की वजह से। तो मेरे फ्रेंड ने सजेस्ट किया कि तुम्हें यहाँ जाना चाहिए, यहाँ जाके तुम्हें हेयर पैचेस आके अवेलेबल है मार्केट में, वो ये आपको प्रोवाइड कराते हैं, तो इससे आप थोड़ा कम्फर्टेबल महसूस करोगे। और मुझे लग भी रहा है ये पैच लगवाने के बाद कि अब मेरी एक्चुअली एज थोड़ी कम लगने लगी है। तो सजेस्ट करता हूँ कि जो लोग भी हेयर फॉल से जूझ रहे हैं, वो यहाँ के आपका ट्रीटमेंट या अपना कॉन्फिडेंस वापस पा सकते हैं।